बच्चों, वाइल शैलजा, कल्याणी एंड दीदी वर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट द वंडरफुल फीचर्स ऑफ द गोलकोंडा फोर्ट, श्रीधर जो है उन्हें कहता है, अरे तुम लोग बातें क्या कर रहे हो, कम ऑन, आई हैव गॉट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू शो टू यू। तो उसे ऐसी क्या खास चीज दिखाने के लिए मिल गई थी जो वो इतना एक्साइटेड हो गया था? एक्चुअली ही गॉट टू सी दिस बिग गन देयर। आप बच्चों ने कभी इतने बड़े साइज की गन देखी है? शायद देखी होगी, है ना? बेटा, इस बड़े साइज के गन को कैनन कहा जाता है। हिंदी में हम लोग इसे तोप कहते हैं। जिस तरह से गन से बुलेट को फायर किया जाता है, उसी तरह से इस बिग गन यानी कि कैनन से इन कैनन बॉल्स को फायर किया जाता है। एंड दीज कैनन बॉल्स आर मेड ऑफ गन पाउडर। ये बारूद के बने हुए गोले रहते हैं, तोप के गोले। इनको बेटा इस कैनन के अंदर डाल दिया जाता है एंड उसके बाद इनमें आग लगा दी जाती है। ये थोड़ी दूर पर जाकर के गिरते हैं और जहां गिरते हैं बेटा, देयर दे कॉज अ ब्लास्ट, धुआं होता है, आग लगती है एंड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑल्सो अकर्स। और बेटा तबाही भी बहुत मचती है, बहुत नुकसान होता है ना? तो गोलकोंडा फोर्ट में इस तरह के बिग गन्स, कैनन्स रखे हुए हैं, है ना? तो शैलजा जो है वो गेस करके कहती है, अच्छा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। बच्चों, सुल्तान मतलब किंग। शैलजा कहती है, ओ, ये जरूर ना सुल्तान की बड़ी सी गन होगी। बच्चे ये भी सोचते हैं कि आखिर इतनी बड़ी गन की जरूरत क्या पड़ी होगी। बच्चों, आप तो जानते हो कि गन का इस्तेमाल क्या होता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही इसका इस्तेमाल होता है। तोप से जो गोले दागे जाते हैं, व्हेन कैनन बॉल्स आर फायर्ड फ्रॉम कैनन, तो क्या होता है बेटा, जिस जगह पर ये बारूद के गोले गिरते हैं वहां पर तबाही मचती है, नुकसान ही होता है, लोग मरते हैं। तो ये बच्चे वही सोचते हैं कि इन गन्स की, इन कैनन्स की जरूरत क्या पड़ी। जरूर किसी पे अटैक करना होता होगा, जरूर किसी पे हमला करना होता होगा, उसको नुकसान पहुंचाना होता होगा। तो व्हाई दीज अटैक्स आफ्टर ऑल, ये हमले क्यों आखिर, है ना? तब फिर बेटा दीदी बताती है उन बच्चों को कि दीज कैनन्स वर एक्चुअली यूज्ड बाय औरंगजेब। बेटा औरंगजेब कौन थे? आपको मैंने बताया था कि गोलकोंडा फोर्ट पर बहुत सारी डिनास्टीज ने रूल किया था, है ना? कभी काकतीय डिनास्टी आई वहां पर, काकतीय वंश के राजा लोग राज किए। कभी बेटा उसके ऊपर कुतुबशाही डिनास्टी का राज हुआ। कभी जो है बेटा मुगल लोग जो है वो शासन इस पे करने लग गए। तो औरंगजेब जो थे वो एक मुगल एम्परर थे, है ना? तो ये कैनन बॉल्स और कैनन लेकर के वो आए थे गोलकोंडा फोर्ट पर अटैक करने के लिए, ठीक है? अभी तक औरंगजेब मुगल्स के अंदर गोलकोंडा फोर्ट आया नहीं था, वो अटैक किए थे अभी गोलकोंडा फोर्ट पर, ठीक है? तो उसी अटैक के लिए उन्होंने इन कैनन्स का इस्तेमाल किया था। बच्चों जरा गौर से देखो, ये कैनन्स जो है इसपे कितनी सुंदर बेटा कार्विंग की हुई है, देख रहे हो? इतने अच्छे से बेटा कार्व करके डिजाइन भी बना हुआ है, और ये सब ब्रॉन्ज मेटल का बना है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। और बेटा ये टेक्नोलॉजिकली उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस था कि कोई आर्मी जो है वो कैनन बॉल्स का यूज कर रही थी, है ना? तो ये जिसका पिक्चर आप देख रहे हो, ये कौन है? दिस इज मुगल एम्परर औरंगजेब, और यही अपनी सारी आर्मी लेकर के गोलकोंडा फोर्ट पर अटैक करने आए थे, क्योंकि वो इस पे कब्जा करना चाहते थे, है ना? आपको पता है 8 महीने तक बेटा उन्होंने पूरी कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की कि किसी तरह से इस गोलकोंडा फोर्ट को अपने कब्जे में ले ले, लेकिन 8 महीनों तक वो इसे कभी
कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, और 8 महीनों के बाद व्हेन दे वर एबल, जब उन्हें बेटा कामयाबी मिली इस फोर्ट पर कब्जा करने में, तो वो भी जानते हो इसलिए मिली थी क्योंकि किसी ने जा करके, और पीछे का दरवाजा, गोलकोंडा फोर्ट का कोई दरवाजा था, उसको जा करके खोल दिया था धोखे से। समझे? सोचो बेटा, 8 महीने तक औरंगजेब की सेना जो है इतने सारे तोप लेकर के, तोप के गोले दागती रही, इतनी बड़ी आर्मी थी उसकी, उसने इतने सारे अटैक किए, लेकिन वो 8 महीने होने के बावजूद भी कब्जा नहीं कर पाए थे गोलकोंडा फोर्ट पर। और जब आखिरकार कब्जा कर पाए, तो वो भी इसलिए क्योंकि बेटा अंदर के किसी आदमी ने धोखा दे दिया, उसने जाकर के किसी गेट को खोल दिया ये औरंगजेब की सेना के लिए। तब बेटा औरंगजेब की सेना जो है वो अंदर घुस करके कब्जा कर सकी थी गोलकोंडा फोर्ट पे। सोचिए कि कितना टाइट इसका सिक्योरिटी रहा होगा, कितने खास इसके सिक्योरिटी फीचर्स रहे होंगे। शैलजा पूछती है कि एक बात बताओ, तुम दीदी जो है वो बताई थी ना कि ये कैनन्स जो है इनका इस्तेमाल मुगल एम्परर औरंगजेब ने किया था गोलकोंडा फोर्ट पर अटैक करने के लिए। तो बेटा ये औरंगजेब जो थे ये दिल्ली पर रूल कर रहे थे, है ना? अभी जरा गौर से इस इंडिया के मैप को यहाँ पर देखो, और देखो तो बेटा दिल्ली कहाँ पर है, जहाँ पे मेरा रेड पॉइंटर आपको दिख रहा है ये है दिल्ली। तो मुगल किंगडम जो था बेटा वो इधर बहुत ज्यादा फैला हुआ था, ठीक है? उनका शासन जो था वो यहीं पर था। और ये गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर है? तेलंगाना हैदराबाद में। तो जरा सोचिए तो कि न्यू दिल्ली से औरंगजेब की सेना जो है बेटा इतने दूर, उस पुराने जमाने में जब कोई एरोप्लेन्स नहीं हुआ करते थे, कोई मोटर व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे, न्यू दिल्ली से बेटा उसकी सेना ने हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट पर आक्रमण किया था, अटैक किया था। तो शैलजा कहती है कि औरंगजेब की आर्मी इतना तकलीफ लेकर के, इतना कष्ट उठा करके दिल्ली से तेलंगाना हैदराबाद गोलकोंडा फोर्ट पर अटैक करने आखिर आएगी क्यों, इतनी दूर से इतनी मुश्किलों को उठा करके। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे किंग्स जो होते थे पुराने जमाने में, दे वांटेड टू स्प्रेड देयर किंगडम, ठीक है? वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो उनका जो राज्य है बेटा वो और बड़ा हो। अब बड़े होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जितना राज्य है उनके कब्जे में उसके अलावा उसके बाहर जो राज्य है उन पे कब्जा करके उसे अपने राज्य में शामिल करना पड़ेगा, तभी तो बेटा उनका किंगडम जो है वो बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा। तो जो बहुत सारे किंग्स हुआ करते थे वो दूसरों पर अटैक इसलिए करते थे, दूसरे राजाओं पर, दूसरे राज्यों पर इसलिए अटैक करते थे क्योंकि उन्हें अपने किंगडम को और बड़ा करना होता था, ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि बेटा गोलकोंडा, अभी आपको मैंने बताया कि इसके सिक्योरिटी फीचर्स इतने अच्छे थे कि 8 महीने तक औरंगजेब की सेना जो है बेटा कुछ यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा सकी। तो इस पे अगर वो लोग कब्जा कर लेते तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती। दूसरी बात बेटा, गोलकोंडा जो था ना वो बहुत ही अच्छे से बसा बसाया एक शहर था, समझ लीजिए। गोलकोंडा में बेटा डायमंड मार्केट था एक, जिसको गोलकोंडा डायमंड मार्केट कहा जाता था, ठीक है? एंड दैट वाज द ओनली डायमंड मार्केट इन द होल वर्ल्ड एट दैट टाइम। पूरी दुनिया में अकेला डायमंड मार्केट गोलकोंडा फोर्ट के अंदर था, सोच लीजिए। और गोलकोंडा फोर्ट के अंदर जो डायमंड मार्केट था बेटा, वहां पे जो डायमंड्स सेल किए जाते थे, परचेज किए जाते थे, उनकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन थी कि मतलब गोलकोंडा डायमंड इट वाज जस्ट
वेरी 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 फेमस कि हाँ गोलकोंडा डायमंड नाम से ही लोग को लगता था ओके ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का डायमंड है ना। तो कुछ बहुत सारे फेमस बहुत बड़े बड़े साइज के ब्रिलियंट डायमंड्स जो है यहीं पर बेटा डायमंड मार्केट में लाए गए थे, जिनमें से कुछ बहुत फेमस डायमंड्स को मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। इनके अलावा भी बहुत सारे थे। अभी ये खूबसूरत सा जो डायमंड आप देख रहे हैं इसका नाम था दरियाई नूर, ठीक है? देखिए ना कितना खूबसूरत है ये। और ये गोलकोंडा फोर्ट के अंदर जो डायमंड मार्केट था बेटा वहां पर इसे रखा गया था। आप सभी ने कोहिनूर डायमंड कोहिनूर हीरे के बारे में जरूर से सुना होगा। क्वीन एलिजाबेथ जो है, ठीक है, उनके क्राउन में, इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ है बेटा, उनके क्राउन उनके ताज में ये हीरा लगा हुआ है। आपको पता है ये वन ऑफ द बिगेस्ट डायमंड्स में से एक है। और ये देखिए ये खूबसूरत सा जो डायमंड आपको दिख रहा है ये है होप डायमंड। ये तो बेटा मैंने आपको बस चंद डायमंड्स दिखाए हैं, वरना गोलकोंडा फोर्ट के अंदर बहुत सारे बहुत खूबसूरत बहुत बड़े साइज के बहुत अच्छी क्वालिटी के डायमंड्स सेल किए जाते थे, परचेज किए जाते थे, ठीक है? तो सोचिए कितना रिच किंगडम रहा होगा। तो ऐसे रिच किंगडम पे कब्जा कोई भी राजा करना चाहेगा, तो इसलिए भी औरंगजेब की सेना जो थी बेटा वो गोलकोंडा फोर्ट को अपने कब्जे में करना चाहती थी। खुद सोचिए ना बेटा पूरे वर्ल्ड में अकेला डायमंड मार्केट था वो। तो दीदी जो है कहती है कि बेटा उस समय राजा लोग क्या करते थे कि वो बहुत सारे ट्रिक्स प्ले किया करते थे, है ना, बहुत सारी चालें चलते थे, बहुत सारे तरीके अपनाते थे अपने छोटे राज्य को बड़ा करने का। उसके लिए वो कभी कभी क्या करते थे कि दूसरे राज्यों के साथ फ्रेंडशिप कर लिए। अब बेटा अगर दो राज्य के बीच में फ्रेंडशिप हो गई तो समझ लीजिए फ्रेंड का बहुत कुछ अपना ही होता है कि नहीं, है ना? तो फ्रेंडशिप कर लेते थे कभी कभी। कभी कभी वो फ्लैटरी किया करते थे, चमचागिरी किए, चमचागिरी समझते हो? किसी का बहुत ज्यादा कह सकते हो बेटा पक्ष लेना, बहुत फेवर करना, ठीक है, ये सब जो है दैट इज फ्लैटरी। तो कभी कभी बहुत सारा इनाम वगैरह दे करके, बहुत सारा गिफ्ट दे करके, बहुत सारा तोहफा वगैरह दे करके वो खुश रख करके नेबरिंग पड़ोसी राज्यों को वो अपने में एक तरह से शामिल कर लिया करते थे। अब आपने किसी को अगर इतना सारा गिफ्ट दे दिया, ठीक है, तो बेटा वो जनरली आप पे आक्रमण तो करेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको इतना गिफ्ट दिया हुआ है, आपने उससे दोस्ती की हुई है, तो एक तरह से समझ लीजिए कि वो आप ही का राज्य हो गया। कम से कम अटैक तो कभी नहीं करेगा ना वो आप पर, है ना? तो चलिए फिर बेटा कभी कभी तो वो दूसरे राज्यों को अपने राज्य में शामिल करने के लिए मैरिजेस भी कराया करते थे, है ना? आपने सुना होगा बेटा कि किंग की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, तो वो राज्य को अपने में शामिल करने के लिए क्या करते थे कि मैरिज कर लिया करते थे। अब जहां से बेटा रिलेशन जुड़ गया वहां से तो अब क्या हो गया, अटैक नहीं हो सकता। और वो समझ लीजिए कि अपना आपका खुद का रिलेटिव का ही राज्य है ना, तो मैरिजेस किया करते थे। और अगर इनमें से कुछ भी काम नहीं आया तब वो हमला कर देते थे, अटैक कर लेते थे, और उस राज्य को हरा करके, वहां के राजा को हरा करके उसको अपने राज्य में शामिल करने की कोशिश करते थे। तो औरंगजेब ने भी अटैक किया गोलकोंडा फोर्ट को अपने राज्य में शामिल करने के लिए। ओके, तो कल्याणी पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ कि औरंगजेब की इतनी पावरफुल आर्मी 8 महीने तक कुडंट इवन गेट इनटू द फोर्ट, किले के अंदर घुस घुस भी नहीं पाई। उसके पास तो इतनी बड़ी सेना थी, इतनी शक्तिशाली सेना थी उसके पास, इतने सारे सोल्जर्स थे, इतने सारे तोप थे, कैनन्स थे, जो कि मतलब बेटा बहुत कम लोगों के पास उस समय हुआ करते थे।
तब भी औरंगजेब की आर्मी नहीं घुस पाई किले में, ऐसा कैसे? तो शैलजा कहती है, अरे कल्याणी, तुमने देखा नहीं कि फोर्ट के किले के वॉल्स कितने मोटे कितने स्ट्रॉन्ग हैं? आपको तो पता है ना बेटा, ये इतने ऊंचे इतने मोटे इतने स्ट्रॉन्ग तो थे ही, साथ ही ये ग्रेनाइट के बने हुए हैं। ग्रेनाइट जो पत्थर होता है ना बेटा, उसका बना हुआ है, और ग्रेनाइट बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, तो इतनी मजबूत दीवार को बेटा गिरा पाना वॉज नॉट दैट मच इजी। और इसके साथ जो है शैलजा बताती है कल्याणी को कि याद करो तो हमने जो गोलकोंडा फोर्ट का मैप देखा था, देयर वी सॉ अ लॉन्ग एंड वेरी डीप डिच। बेटा डिच पिट मतलब गड्ढा अलोंग द वॉल। तो आपको मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखिए, यही था ना आपका। यहाँ पर देखिए तो बेटा, ये आप देख रहे हो, मेरा पॉइंटर देखो, यहां से लेकर के यहाँ, ये जो पिंक कलर से बनाया हुआ है, ठीक है, ये बेटा बहुत बड़ा सा बहुत गहरा गड्ढा जो है खोद करके रखा गया था फॉर सिक्योरिटी रीजन। अब जरा मुझे ये सोच के बताइए तो कि बड़े से गड्ढे को खोदने से किला कैसे सुरक्षित हो जाएगा? बेटा अगर किसी किले तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी खाई को किसी को पार करना पड़े तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो अक्सर बेटा किलों में इस तरह के इंतजाम किए जाते थे कि मेन गेट के सामने या मेन जो आउटर वॉल होता था उसके सामने बहुत बड़ा बहुत गहरा डिच गड्ढा खोद दिया जाता था, ताकि कभी भी एनिमी की आर्मी अगर अटैक करना चाहे तो उसके लिए उस गड्ढे को क्रॉस करके फोर्ट में एंटर कर पाना काफी मुश्किल हो, है ना? तो ये भी उपाय किया गया था। और उसके साथ साथ श्रीधर बोलता है कि हमें तो पहले से ही पता है, अगर सामने से आती आर्मी तो उनको इस गड्ढे से होकर के गुजरना पड़ता, जो कि बहुत डिफिकल्ट था। किसी और साइड से अगर आर्मी आने की कोशिश करती तो बेस्टन्स के अंदर जो सोल्जर्स थे वो आराम से छोटे छोटे छेद से देख करके निशाना लगा करके और दुश्मन की सेना को भगा सकते थे। तो यही तो, इसीलिए तो गोलकोंडा फोर्ट जो है ये इतना स्पेशल था अपने सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से। और केवल सिक्योरिटी फीचर्स ही नहीं है, आपको मैंने वीडियो दिखाया था, इसमें बहुत सारी खास बातें हैं। आपने देखा था कि कहीं पर ताली बजाई जाती है तो वो कहीं दूर जाकर के बेटा बिल्कुल सुनाई पड़ती है ना? आपने देखा था ना वीडियो में, देखिए कितने अच्छे से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, है ना? ओके, अब बेटा कल्याणी कहती है कि अरे जरा इमेजिन करो, तुम सभी इतना बोल रहे हो ना, तो बस मेरे सामने ये पिक्चर जो है मेरे माइंड में बन करके आ रहा है कि उधर से औरंगजेब की बड़ी सी शक्तिशाली सेना, तोप तोप के गोले तीर धनुष सब लेकर के, घोड़े पर सवार होकर के हाथियों पर सवार होकर के आई है फोर्ट पर अटैक करने के लिए। और यहाँ फोर्ट के अंदर सुल्तान की सेना जो है वो बिल्कुल तैयार होकर के औरंगजेब की सेना से लड़ने के लिए बैठी हुई है। इमेजिन करो, शैलजा कहती है नहीं, ये सोचो ना कि इस लड़ाई में कितने लोग मारे गए होंगे, दोनों तरफ के तो मारे गए होंगे, जीत किसी की भी हुई हो, औरंगजेब की हुई हो या सुल्तान की हुई हो या किसी और की हो गई हो, लेकिन वेन एवर देर इज अ वॉर मेनी 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 लाइफ्स आर लॉस्ट। बेटा पैसे का नुकसान प्रॉपर्टी का नुकसान तो होता ही है, जिसे भरने में कई वर्ष लग जाते हैं, लाइफ्स कितनी लाइफ्स खो जाती है, कितने लोग मरते हैं और दोनों तरफ के मरते हैं, है ना? तो यही शैलजा सोचती है कि आखिर लोग अटैक क्यों करते हैं, क्यों लोगों के बीच में, किंगडम्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में वॉर होता है? व्हाई कांट वी लिव पीसफुली ऑन दिस अर्थ? बिकॉज गॉड ने तो हम सभी को ये प्लैनेट दिया है, इसके सारे रिसोर्सेज हम सभी के लिए हैं, नॉट ओनली फॉर वी ह्यूमन बींग्स बट फॉर दी अदर क्रिएचर्स ऑल्सो।
अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो, देन वाई इज इट सो कि हम कहते हैं दिस इज माई किंगडम एंड दैट इज योर किंगडम, वाई इज इट सो दैट आई वॉन्ट टू रूल ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सभी मिलके क्यों नहीं रह सकते, क्यों इतना खून खराबा आखिर। श्रीधर तब फिर कहता है कि अरे ये गन्स और ये तोप, तोप के गोले, दीज हैव बिकम ओल्ड थिंग्स, दीज हैव बिकम थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ, ये सब अब पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था, आजकल क्या इस्तेमाल होता है, तो कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इस तरह का बेटा न्यूक्लियर बम जो कि इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बॉम्ब एक्सप्लोजन इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। बेटा जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया था, ठीक है, वो बॉम्ब एक्सप्लोजन इतना ज्यादा पावरफुल था बच्चे कि उस समय तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ही, टिल नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स आज भी बेटा वहां पर बच्चे जो पैदा होते हैं वो हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं। ये बॉम्ब इतना पावरफुल था कि इट कॉज्ड चेंज इन डीएनए, इससे बेटा डीएनए जीन्स जो होता है वो चेंज हो गया, और आज तक वहां पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बेटा वो हैंडीकैप्ड होते हैं। सोचो तो ऐसी जीत लेकर के क्या मिलेगा, इतना कुछ तो ऐसे ही ये बॉम्ब गिरा करके तबाह कर ही दिया, यही नहीं आगे के कई जेनरेशंस बेटा हैंडीकैप्ड हुए, तो क्या फायदा ऐसी लड़ाई का, ये बच्चे सोच रहे थे, ठीक है। तो ये श्रीधर बताता है कि अरे ये गोले बारूद जो पहले फेंके जाते थे ये पुरानी चीजें हो गई, अब तो कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन है, वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर देते हैं और इस तरह से नुकसान पहुंचाया करते हैं एक दूसरे को। मैं यहाँ पर एक बियॉन्ड द बुक भी आपको एक बात बताना चाहूंगी, शायद आप लोगों ने बायोलॉजिकल वेपन के बारे में भी सुना होगा, वेपन WEAPON, वेपन मतलब होता है हथियार, जिसका इस्तेमाल हम लोग किया करते हैं किसी पर अटैक करने के लिए, उसी को वेपन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों बहुत सारी कंट्रीज के पास बायोलॉजिकल वेपन्स है, बायोलॉजिकल मतलब बेटा उनके पास कुछ ऐसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है जिनको शायद अगर वो कभी रिलीज कर दे एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे लोग बीमार होकर के मर जाएंगे या उन्हें बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, तो अब तो लोग मतलब इसका भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, तो वाई क्यों है भाई ऐसा, ठीक है। अच्छा बेटा आप लोगों ने रिसेंटली ऐसा कहीं सुना है कि किसी दो कंट्री के बीच में वॉर हुआ हो या एक कंट्री के अंदर ही, ठीक है, बहुत बड़ा वॉर हुआ हो, जैसे बहुत सारे कंट्रीज में सिविल वॉर्स वगैरह हुए हैं, सीरिया है, लीबिया है, इन सारे कंट्रीज में हुआ है, तो आपको जो है बेटा इंफॉर्मेशन निकालना है, ढूंढना है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू पीपल हैव टू डू, दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू पीपल, आई एम गिविंग यू 10 days टाइम, ठीक है, आई विल पोस्ट दिस असाइनमेंट इन गूगल क्लासरूम ऑल्सो। आपको करना क्या है बेटा कि आपको इंफॉर्मेशन निकालना है और अच्छे से समझना है कि रिसेंट टाइम में क्या कोई बड़ा वॉर हुआ है किसी दो तीन कंट्री के बीच में या कंट्री के अंदर ही आपस लोगों में बहुत बड़ा कोई वॉर हुआ है, अगर हुआ है तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस वॉर, क्या कारण था जो कि ये वॉर हुआ, किस तरह के हथियार, किस तरह के वेपन्स, यहाँ पे देखिए वेपन्स दिया हुआ है, किस तरह के वेपन्स का यूज किया गया इस वॉर में, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, इस तरह के वॉर से किस तरह की तबाही मची। तो बेटा मैं आपको नाम वगैरह तो नहीं बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से ढूंढो, कुछ सालों पहले ही, ठीक है, एक जगह इतनी मुसीबत हुई थी, इतनी मुसीबत हुई थी कि बहुत सारे लोगों को अपना देश वगैरह छोड़ करके बेटा और रातों रात दूसरी जगह पर जाना पड़ा,
और दूसरे जगहों पर दूसरे देशों में जाकर के दे वर आस्किंग फॉर रिफ्यूज, दे वर प्लीडिंग फॉर शेल्टर। वो लोग मतलब बेग कर रहे थे कि भाई ये धरती हमारी भी है, हमें हमारे देश से निकाल दिया गया है, आप प्लीज हमें इस धरती पर कहीं तो रहने के लिए जगह दे दो। और उसमें बहुत ही बेटा मैं क्या बोलूं, बहुत ही दर्दनाक पिक्चर्स, स्टोरीज, इंसिडेंट्स बेटा बयां किए गए थे। फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो कहीं उसी देश के अंदर बेटा मारे गए, जो बच गए वो बेटा अलग अलग एक दूसरे से बिछड़ गए, कोई किसी और देश की तरफ भागा, कोई किसी और देश की तरफ भागा, और उन्हें पता तक नहीं कि उनके फैमिली के बाकी मेंबर जो है वो जिंदा भी है या नहीं, कहाँ है, अगर जिंदा है तो कहाँ है। ठीक है, उस पे एक बेटा फोटो भी था जिसमें ये दिखाया गया था कि किसी सी के शोर पे, ठीक है, समुद्र के किनारे एक मासूम सा बच्चा बेटा वो डेड पड़ा हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर। क्यों है फिर ऐसा? तो ये सब थोड़ा सा आप पता करोगे कि कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, जो बिग गन कैनन श्रीधर ने देखा गोलकोंडा फोर्ट पर, वो ब्रॉन्ज का बना था। ये ब्रॉन्ज क्या होता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, किसी को गोल्ड मेडल मिला जो फर्स्ट आया, जो सेकंड आया उसको सिल्वर मेडल मिला, जो थर्ड आया उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो आप सभी जानते हो बेटा, गोल्ड सोना को कहते हैं, ठीक है, और सिल्वर इज चांदी, दोनों बहुत ही कॉस्टली मेटल होते हैं। ब्रॉन्ज इज ऑल्सो कॉस्टली बट नॉट दैट कॉस्टली एज मच गोल्ड इज। ठीक है, तो बेटा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो कैनन, ये पूरा का पूरा बेटा ब्रॉन्ज का बना हुआ था, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी कोई भी चीज देखी है जो कि ब्रॉन्ज का बना हो? देखी है तो याद करो और बताओ। बेटा एक और चैप्टर हमने पढ़ा था, ठीक है, अगस्त में लास्ट वीक पे, आप सभी ने बहुत अच्छा अच्छा पिक्चर अपने घर से भी भेजा था, बहुत सारे मेटल के पॉट्स वगैरह थे, वेसल्स थे, है ना, तो वहां पर भी हमने थोड़ा सा इन मेटल्स के बारे में पढ़ा था, पीतल के बारे में, कांसा के बारे में। तो फिर से बेटा अगर कुछ और आपको जानकारी मिलती है तो आप शेयर करेंगे, है ना। तो ब्रॉन्ज से बनी कोई चीज आपने देखी है? देखी है तो किस, कौन सी चीज बेटा? मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि ब्रॉन्ज को हिंदी में कांस्य कहा जाता है, कांसा भी कहा जाता है। ये इस तरह का बेटा दिखता है, आप देख रहे हो, थोड़ा सा ग्रीनिश येलोइश गोल्डन, है ना। ब्रॉन्ज जो है वो एक्चुअल में दो मेटल को मिला करके बनाया जाता है। कौन से दो मेटल को मिला करके बनाया जाता है? वन इज कॉपर एंड द अदर इज टिन। एंड चिल्ड्रन, डू नोट इट डाउन इन योर कॉपी, इसको अपने कॉपी में जरूर से लिख लो। ब्रॉन्ज इज नोन एज कांस्य और कांसा इन हिंदी, ठीक है। एंड ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ टू मेटल्स, कौन सा? वन इज कॉपर जिसको तांबा कहते हैं, एंड द सेकेंड इज टिन। कॉपर और टिन को बेटा जब आपस में मेल्ट करके, पिघला करके मिला लिया जाता है, तब जो आपको नई चीज मिलती है उसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर, देखिए ये जो आप ब्रॉन्ज का लोटा देख रहे हैं, है ना, ये येलोइश गोल्डन जैसा दिख रहा है, लेकिन हमने कैनन जो देखा था वो तो कुछ लोहे जैसा, ग्रे, ब्लैक, ग्रीन जैसा दिख रहा था, है ना, ऐसा क्यों? अब जरा सा ध्यान करो बेटा, आपके घर में पीतल का बना हुआ, पीतल इज समथिंग एल्स, पीतल इज नॉट ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रास को पीतल कहते हैं, आगे भी आपको बताऊंगी। ब्रास पीतल है, ब्रॉन्ज कांसा है, कॉपर तांबा है ना। ये सब देखोगे बेटा, बर्तन को जब नया नया खरीद के लाते हो तो बड़ा चमक रहा होता है, पूजा वगैरह में आप देखोगे कि इन मेटल्स का बहुत यूज होता है, पूजा की जो थाली होती है, पूजा का जो चम्मच होता है,
ये सब इन मेटल्स का अक्सर बना हुआ रहता है ना। तो शुरू शुरू में वो बड़ा चमक रहे होते हैं, शाइनी मेटल्स होते हैं। थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन जैसा कुछ लेयर जम गया है ना। तो बेटा जैसे लोहे में जंग लगता है ना, उसी तरह से ब्रॉन्ज में, ब्रास में, इनमें भी बेटा एक लेयर ऊपर से आ जाता है, ग्रीन कलर का, ग्रे कलर का। तो वो तो बहुत पुराना कैनन है ना, तो उसपे भी बेटा इस तरह का लेयर आ जाने की वजह से वो उतना ज्यादा शाइन करता हुआ आपको दिख नहीं रहा है ना। अभी मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ, दिस इज कॉपर मेटल, आप देख रहे हो उसका कलर, थोड़ा मार्क करो है ना, ये है कॉपर। और आप लोगों ने बेटा बहुत बार अपने घर में देखा भी होगा शायद कि वायर्स, बहुत सारे, नॉट ऑल, बहुत सारे वायर्स तार जो होते हैं कॉपर के बने हुए रहते हैं, ठीक है। ओके, ये कॉपर भी देखिए यहाँ पे बिल्कुल शाइन करता हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। इसको थोड़े दिन तक आप छोड़ दो, तांबे का इस्तेमाल पूजा के में बहुत किया जाता है, तो आप देखोगे कि बेटा ये इसके ऊपर ग्रीन 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 जैसा जमने लग जाता है। फिर उसको किसी नींबू से, इमली से, या इसका स्पेशल पाउडर आता है, उससे अगर साफ करोगे तो इट अगेन स्टार्ट्स टू शाइन है ना। ओके, ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये सिल्वर जैसा, ये है टिन, दिस इज टिन मेटल। ये आपको बता दूं, ब्रास इंग्लिश में, हिंदी में इसको कहते हैं पीतल। ये भी ज्यादातर बच्चों के घर में पीतल का कुछ ना कुछ आपको बना हुआ जरूर होगा, ठीक है। ये भी बेटा शुरू में बहुत शाइन करता है, धीरे धीरे इसके ऊपर भी, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगती है, इसके ऊपर भी बेटा एक लेयर बनने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, ये व्हाइटिश सिल्वर कलर का जो आपको दिख रहा है, डेट इज एक्चुअली चांदी है ना। और राइट साइड में जो आप देख रहे हो, डेट इज गोल्ड, सोना। ये देखिए बेटा, ये अल्यूमिनियम का बर्तन है, वेसल, वेसल मतलब बर्तन। ये स्टील का ग्लास है ना। तो बहुत सारे मेटल्स हमारे घर में ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बच्चों मैं तो ये सोच करके सरप्राइज हूँ, हैरान हूँ कि उतने पुराने टाइम में कैसे लोग इन मेटल्स को बेटा माइन किया करते थे। आपको पता है ना, गोल्ड के माइंस होते हैं, आप लोग शायद डिस्कवरी पे गोल्ड रश करके एक प्रोग्राम आता था, वो बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, नहीं देखे हो तो थोड़ा बहुत अभी भी देख सकते हो। वहां जाके देखो बेटा कि गोल्ड को कैसे निकाला जाता है, माइन किया जाता है। प्योर फॉर्म में गोल्ड इज नॉट प्रेजेंट, उसको पूरा प्यूरिफाई किया जाता है माइन करने के बाद। तो उसमें अभी तो भाई इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है ना, लेकिन उतने पुराने समय में इतने सारे मेटल्स को कैसे अर्थ से माइन किया जाता होगा, रॉक से माइन किया जाता होगा, फिर बेटा उसको मेल्ट किया जाता होगा, प्यूरिफाई किया जाता होगा, और उसके बाद उससे इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती होंगी, सोचिए है ना। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अभी बताने जा रही हूँ बेटा। इस पिक्चर को देखिए, किस चीज का पिक्चर है ये? देख के तो ये एक बहुत सुंदर सा मिरर दिख रहा है। सुंदर होने के अलावा भी इसमें एक स्पेशल बात है बेटा। मिरर जो होता है उसमें क्या होता है, शीशा लगा हुआ रहता है, ग्लास रहता है। उस ग्लास में कभी भी देखते होगे बेटा तो आपको ऐसा लगता है ना कि पीछे की तरफ सिल्वर कलर का कुछ पॉलिश किया हुआ है। तो एक्चुअली में यही किया जाता है कि ग्लास लिया जाता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उसके एक तरफ बेटा सिल्वर कलर का पॉलिश कर दिया जाता है ना। फिर वो इस तरह से दिखता है, जिसमें आप अपना चेहरा या किसी और चीज को सामने रख करके उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या बात स्पेशल है बेटा, ये जो आप बीच में देख रहे हो मिरर, ये शीशा नहीं है, ये बेटा कॉपर और टिन, इन दो मेटल्स को मिला करके बनाया गया है, और इस तरह से बनाया गया है दैट इट लुक्स लाइक अ मिरर, अ क्रिस्टल क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन यू लुक इनटू इट। सभी धोखा खा गया ना, देख के बिल्कुल लग रहा है कि ये शीशा है। नहीं बेटा,
बीच में भी जहां पर आप देख रहे हैं कि पेज का रिफ्लेक्शन, पेज का इमेज दिख रहा है, वो एक्चुअल में बेटा मेटल का बना है, वो भी कॉपर और टिन को मिला करके दो तीन चीजें और मिलाई जाती है। और उससे भी ज्यादा खास बात ये है कि बेटा ये एक फैमिली के लोग है साउथ में, केरल में, ठीक है। ये 500 साल से भी पुराने समय से इस तरह के मिरर्स को बना रहे हैं। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो बेटा, कैसे ये कॉपर और टिन, ये छोटे छोटे उसके टुकड़े जो है इसको अंदर डालेंगे, फिर इसको गर्म किया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा, मिलाया जाएगा कोई खास तरीके से, ठीक है, फिर इस मिरर को ये बनाते हैं। तो कितनी मात्रा में कॉपर टिन को मिला रहे हैं और कुछ कुछ और चीजें जो मिलाते हैं वो क्या चीजें हैं जिसको मिलाते हैं और कितने अमाउंट में मिलाते हैं, दैट इज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट टिल नाउ। आज तक बेटा इन्होंने इस सीक्रेट को रिवील नहीं किया है कि आखिर कितना कितना कॉपर टिन और दूसरी चीजों को वो पिघलाते हैं कि इस तरह का ये शीशा बनकर तैयार होता है। तो इतनी सारी दिलचस्प बातें, पहले तो ये शीशा जो है वो बना हुआ है एक्चुअली में ग्लास का नहीं बल्कि मेटल का, और वो भी केरल में बेटा कुछ लोग हैं एक फैमिली के, वही जानते हैं कि कैसे इसे बनाना है, और ये क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है। आज तक नहीं पता चला कि आखिर ये कितना कितना मिला करके इस मिरर को बनाते हैं।